हाय गाइस, वेलकम बैक। YRF ने वो करके दिखाया है जो कोई और इससे पहले नहीं कर सका। वैसे YRF की जब तक बात होती है तो बात होती है टॉप नंबर की, जी हाँ, नंबर वन की, विच मीन्स कि टाइगर 3 का ट्रेलर इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन, नॉट जस्ट ऑन ट्विटर बट ऑल्सो ऑन YouTube। इसी के साथ साथ पूरे 24 घंटे का काउंट, ऑफिशियल काउंट आ चुका है। मुझे पता है अब तक आप सब देख चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा रिएक्शन है। और साथ साथ में बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, YRF का अगला प्रमोशनल यूनिट क्या कुछ होने जा रहा है टाइगर 3 को लेकर, सब कुछ कवर बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब। बात करेंगे पहले YRF ने आज जो पोस्टर रिलीज किया है आतिश का। ये आतिश ब्रांडिंग अपने आप में इतनी ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि दिवाली का अगर हम मौका बोलें, साथ में आतिशबाजी बोलें और आतिश इज़ द विलन, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि अब व्यू काउंट्स जो हैं ये हमारे सामने आ चुके हैं। भाई साहब, सबके रिकॉर्ड्स धराशाही करके रख दिए। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे ये भी बोला है कि 19 आवर्स नहीं 9 आवर्स में ही पठान और जवान के रिकॉर्ड्स टूट गए थे, तो जी हाँ वो बात सही है। लेकिन अभी इस वक्त पर अब हो चुके हैं, जब आप ये वीडियो देखोगे तब कम से कम 26 घंटे पूरे हो चुके हैं, 26-27 घंटे पूरे हो चुके होंगे। लेकिन हम 24 घंटे की अभी बात करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 48 आवर्स। बट देन मेनली जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैटर करती हैं बॉक्स ऑफिस पे क्या कुछ होने वाला है, धमाका धमाका ही धमाका, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं उन व्यूज़ की बात करूं जो हमारे को इस वक्त में नज़र आते हैं वर्सेस द रियल व्यूज़ जो YRF के पास होंगे, दोनों की ही बात करेंगे। साथ साथ में हमारे को इस वक्त पे ये देखना होगा कि क्या ये बज, ये जिस टाइप का अभी हम देख रहे हैं एक्साइटमेंट, क्या यही एक्साइटमेंट हमको टाइगर का बॉक्स ऑफिस जो है वो हिलाने में वो चीज़ हेल्प करेगी या नहीं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्यू काउंट्स की। इस वक्त पे जो हमारे को विजिबल व्यू काउंट्स दिखाई दे रहे होंगे, आप जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक 41 मिलियन आपको व्यूज़ और आपको मुझे दिख रहे होंगे फिलहाल पे। उसके बाद ऑफिशियली बताती हूँ, 1.4 मिलियन लाइक्स हैं हिंदी वर्जन में और 1.66K कमेंट्स आ चुके हैं। तमिल वर्जन की बात करें 2,40,000 व्यूज़ आ चुके हैं, 30,000 लाइक्स हैं। तेलुगु वर्जन की बात करें 4.85 लाख व्यूज़ हैं और 45,000 लाइक्स हैं। इसी के साथ इस वक्त जो टोटल हमारे को व्यू काउंट इस वक्त पे इसको ऐड करके दिखने में मिलता है, दैट इज़ 42 मिलियन। बट द मेकर्स हैव शेयर्ड देयर फाइनल वर्डिक्ट ऑफ 24 आवर्स। इट इज़ अनफ्रीकिंग बिलीवेबल। YRF भाई, वैसे ही मैं तो बोलती हूँ कि YRF की स्ट्रैटेजीज़ को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बात करेंगे अगर जो उनका नंबर शो उन्होंने किया, दैट इज 48 मिलियन व्यूज ऑन YouTube, ऑन जस्ट YouTube की बात हो रही है। हम लोगों ने देखा है कि कई सारे ऐसे भी मेकर्स हैं जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स को ऐड करके बताते हैं, जैसे कि Instagram के व्यूज़ भी ऐड हो गए उसमें, तो उससे व्यू काउंट्स और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आते हैं। और वो टोटल यू कैन से सोशल मीडिया पे कितने सारे व्यूज़ हैं उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन हम अगर सिर्फ YouTube की बात करते हैं जो YRF ने शेयर किया है, दैट इज़ 48 मिलियन व्यूज़ इन जस्ट 24 आवर्स। यहाँ से पता चलता है कि बॉस इस फिल्म का हाइप अनबिलीवेबल है। देखो, हाइप की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पठान के टाइम पर ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन्स चल रहे थे, नेगेटिविटी पूरे अपने जोश पे थी। जवान के टाइम पर नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी अपने जोश पर थी, क्योंकि तब तक शाहरुख खान का एक ऐसा ज़बरदस्त चोट मार चुके थे वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कि अब दूसरी फिल्म लेकर हाजिर हो गए थे। तो और यही हमको डंकी के टाइम पे भी देखने को मिला। लेकिन हम अगर टाइगर 3 की बात करते हैं तो टाइगर ने जिस तरीके का हाइप दिखाया इससे पहले, जैसे अगर हम बात करते हैं इस वक्त पर सबसे ज़्यादा हाइप्ड मूवीज़ में है लियो, और लियो के हाइप के बावजूद टाइगर 3 के ट्रेलर पर इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लेकर के आना इज़ नॉट ईजी। YRF हैज़ डन अ फैंटेबुलस जॉब। और जैसे अब हम बात करते ही हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, स्क्रीन काउंट्स की बात हो गई, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस बात में कि कितने ज़बरदस्त तरीके से इन स्क्रीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ओवरसीज़ मार्केट में YRF का नाम ही काफ़ी है। जो बिजनेस टाइगर 3 करके दिखाएगी वो मैं अभी से कह रही हूँ, अब ये देखकर, ये व्यू काउंट्स देखकर मैं अभी से कह रही हूँ, भाई साहब ब्रेस योर सेल्व्स फॉर अ सुनामी ऑन द बॉक्स ऑफिस। ये ऐसी फिल्मों में से है जिसके आसपास कोई नेगेटिविटी नहीं है, जिसके आसपास कोई ऐसा, मैंने कोई नेगेटिव रिव्यू ही अभी तक नहीं सुना है जो कि टाइगर के VFX को लेकर कोई हो, या टाइगर की स्टोरी लाइन को लेकर के हो, या लुक को लेकर के हो, या व्हाटएवर इट इज़, एवरीथिंग दैट आई एम हियरिंग इज़ ऑल पॉजिटिव अबाउट टाइगर। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग कि हमारे को एक ऐसी फिल्म फाइनली देखने को में आ रही है, लोगों की पसंद में आ रही है। और न्यूट्रल ऑडियंस यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। न्यूट्रल ऑडियंस से जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो एक्चुअली अनबिलीवेबल होगा। मैंने जब कल ट्रेलर रिलीज़ हुआ और मैंने जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स, मैंने अपने ही
यू नो सर्कल में जब पूछा कि क्या आपने ट्रेलर देखा है, वो सबको इस ट्रेलर के बारे में पता था। और यूजुअली ऐसा होता नहीं है फैमिलीज़ में कि आप कोई किसी फिल्म का ट्रेलर आ रहा हो और उसका ट्रेलर के बारे में सबको पता हो कि हाँ जी ये ट्रेलर आया, हमने देखा है। तो वो न्यूट्रल ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है ना, अभी देखना जब ये कन्वर्ट होगा इन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इट विल बी मैड क्रेजी। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। राइट नाउ टाइगर इज ट्रेंडिंग ऑन टॉप एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। व्हाट यू हैव टू से, आपको क्या लगता है कि ये व्यू काउंट्स अब यहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं, कहाँ तक गाड़ी जो है टाइगर 3 की पहुँच सकती है? और नेक्स्ट प्रमोशनल यूनिट की अगर बात है तो सॉन्ग, जैसे मैंने आपसे कहा है, एक जल्दी से जल्दी हमसे गाना शेयर होने जा रहा है जो कि जोया और टाइगर का रोमांटिक डांस नंबर होने वाला है। क्या कुछ कहना है आपको उस पर, मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।